के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं सज्जनगर कलिश्चर की ओर से आज सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। बाइबल में पहला थिस्सलुनीका 5:23 में शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। बाइबल कहती है पौलुस रोमियो के पत्री 15:33 में इस प्रकार कहता है, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आज कई परिवारों में शांति नहीं है। हर परिवार प्रार्थना सभा के बाद मेरे सामने आते हैं सामान्य तौर से, और मैं एक एक को व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं। ऐसे सभी मौकों पर अधिकतर महिलाएं मुझसे कहती है, पास्टर साहब हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे बच्चों में एकता नहीं है, हमारे परिवार में नाना प्रकार की समस्याएं, टेंशन, परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं। कृपया हमारे परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप परेशान हैं? क्या आपने अपने परिवार खो दिया है? परमेश्वर आज आपको शांति देने का वादा करता है। कुलीचों की पत्री 3:15 में हम देखते हैं, बाइबल इस प्रकार कहती है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। इस संसार में अपनी शांति और खुशी को खो देने का क्या कारण हो सकता है? आज हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। गिनती की पुस्तक 32:23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। आपके पारिवारिक जीवन में और पारिवारिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में आप अपने शांति खो देता है, खो रहे हैं। यशायाह नबी कहता है, यशायाह 59:2 में, Isaiah 59:2 says, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है, वह नहीं सुनता तुम्हारी प्रार्थना। यहां हम देखते हैं जब आप पाप में पड़ते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, और हमेशा टेंशन आपके अंदर बना रहता है, और नाना प्रकार की गंदे कामों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। जब आप पाप में पड़ते हैं तब आप कई कारणों से अशांति आपके जीवन में बना रहता है। आपको केवल पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया है। बाइबल कहती है यशायाह 53:5 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पवित्र और धर्मी
परमेश्वर जिसको पाप से लेना देना नहीं था, आपके खातिर वह पाप बना, क्रूस पर मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और वह शांति का मूल होगा। आप जानते हैं हमने इन हाथों से पाप किया और उसके इन हाथों पे खीले ठोके गए। हमने गलत सोच करके पाप के मार्ग में चला, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। प्रभु यीशु, हमने गलत कदम उठाए, गलत कार्य किए, लेकिन प्रभु यीशु के पांव में कीले ठोके गए और पसली में भाले से उसे फोक दिया गया। और इतना होने के बावजूद भी अपने दुश्मनों के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और बाइबल में लिखा है वह शांति का मूल होगा। दाऊद राजा बचपन से ही परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के वचनों का आज्ञाकारी था और हमेशा अपने को पवित्र बनाता था। भेड़ों का रखवाली करते समय भी वह अपने गीतों से परमेश्वर की स्तुति करता था। भजन संहिता 34 का पहला वचन में हम देखते हैं इस प्रकार दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे निरंतर मेरे मुख से होता रहेगा। दाऊद राजा हर समय यहोवा की स्तुति करता था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चराया करता था, तब एक बार भालू और दूसरे दिन एक शेर उनकी भेड़ों पर आक्रमण करने आए, परंतु परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए दाऊद उसे मार डाला। सामर्थी दाऊद एक साधारण मनुष्य था, वह सुबह दोपहर शाम दिन में 3 समय प्रार्थना करता था परमेश्वर से, अपनी बातों को परमेश्वर से कहता था, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के चरणों में रखता था, परंतु एक शाम वह प्रार्थना करने के बजाय अपने महल में टहल रहा था और आंखों की अभिलाषा ने उसे एक पाप करने से गिरा दिया, पाप में गिरा दिया। वहां पे दाऊद कैसे छुटकारा पाया? बाइबल कहती है दाऊद ने अपना पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना, भजन 51 का पहला और दूसरा वचन में देखते हैं, हे परमेश्वर उसने कहा, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध। राजा के पाप में गिरने के बाद नातान नबी उनके पास आया और उनके पापों का एहसास कराया, तब उन्होंने परमेश्वर को पापों की क्षमा की। मेरे पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, इस संसार के ईश्वर ने लोगों को मानो अंधा कर दिया जिससे कि उन पर उसके तेजो में सुसमाचार।
आज लोगों के मनों को बंधा देने वाले संसार का ईश्वर है। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, चूर करके मिट्टी में मिला दिया है और मुझे मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंहों के समान तेजी से इस खोज में रहता है कि किसको मारता हूं। बाइबल कहती है योना के सुसमाचार 10:10 में, चोर कौन है? शैतान। चोर शैतान है। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। इसलिए वो आपके परिवार की शांति को गड़बड़ी लाने में, चुराने में अवसर आगे उसके कारण कई लोग शांति खो बैठे, परंतु परमेश्वर ऐसे यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु इस संसार में हमारे लिए अपना जीवन देने आया, तो आपको अपने पापों से छुटकारा मिल चुका। आपके विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए गए, इस प्रकार अपने जीवन में शांति प्राप्त की। मैंने एक किताब में देखा, एक युवा कैदी जो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन एक भयंकर अपराध के कारण उसे फांसी की सजा दी गई। वास्तविकता में एक पासवान उन कैदियों से मिलने आते थे जिनको फांसी होने वाली थी। वे उनको उद्धार और क्षमापन के बारे में बताते थे बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार। उसी तरह पासवान उस कैदी से मिलने और उसे देखकर कहा, उसे बाइबल देकर कहा, बेटे आज इस रात्रि में इस बाइबल को पढ़ो तो तुम्हें निश्चय शांति मिलेगी। परंतु युवा लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने पासवान के सामने बाइबल को उस रात वे बाइबल को उसी समय पासवान के सामने फेंक दिया। पासवान को उस रात पर नींद नहीं आई। वो प्रार्थना करते रहे। पहला योहन्ना 5:7 में लिखा, यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। यशायाह नबी कहता है 5:18 में, तुम्हारे बाल चाहे लाल रंग का क्यों ना हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। प्रभु जिसने दाऊद को शुद्ध किया और वह उस जवान कैदी को भी शुद्ध किए, निश्चय आपको भी सभी पापों से शुद्ध करता है और आपको अपनी दिव्य शांति देने का वादा करता है। एक बार हम बाइबल में देखेंगे फिलिपियों की पत्री 4:6-7 इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में
तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हम जब प्रभु के चरणों में आएंगे, अपना मन फिराएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत शांति प्रदान करेगा। वो कहता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं मैं तुझे देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आप महान प्रभु जिंदा खुदा है, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों से तूने हमारे सभी श्रोतागणों से बातें किया है। आज प्रभु जी हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके इस भारत देश के लिए खुदा, जहाँ करुणा वायरस तेजी से दौड़ रहा है खुदा, लेकिन तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज सारी दुनिया प्रभु जी अपने घरों में लॉकडाउन करके बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि इस करुणा वायरस को हम सामने से हटा दें, इस देश से निकाल दे बाहर, और लोगों के जान को नाश होने से बचा दे। एक एक पर तो ध्यान, जिनके जीवन में शांति नहीं, जिस प्रकार तूने वादा किया मैं तुझे वह शांति दूंगा जो संसार नहीं देता, प्रभु जी उनके जीवन में शांति, उनके बच्चों के जीवन में शांति और सफलता, उनके परिवार के जीवन में